हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। ओटीटी रिवीजन सीरीज चल रहा है एंड सीजन वन इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में आज थर्ड एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस का ट्रीटमेंट व्हाइल प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक फॉर अ लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। आप जब लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी का सम देखोगे, आपको वहां पर सेल्स ऑन अप्रूवल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट दिख सकता है, जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। वैसे ये गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस फाउंडेशन में आपने एक पूरा चैप्टर पढ़ रखा है, बचपन से भी फाइनल अकाउंट्स में इसका एडजस्टमेंट किस तरीके से होता है आपने सीख रखा है। बट जब इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर में इसी एडजस्टमेंट को एग्जाम में दिया जाता है, बहुत बार बच्चे ना थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उनका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू वगैरह गलत आ जाता है। तो मैंने आज ये टॉपिक सिर्फ इसीलिए रिविजन के लिए उठाया है क्योंकि कुछ बच्चों को यहां पर टेक्निकली मिस्टेक्स कर देते हैं। इंस्टीट्यूट अभी तक जो क्वेश्चन दे रखा है एक पर्टिकुलर तरीके से दे रखा है, बट इस टॉपिक में इंस्टीट्यूट चाहे तो नई नई बातें आपसे पूछ सकता है जो शायद आपने पहले से सम ना कर रखा हो और एग्जाम में जाकर आपको वो याद ना आए या वो आप इंटरप्रेट ना कर पाओ। इसीलिए इस टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज करने के लिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है। एक एक करके बात करते हैं, पहले अच्छे से रिविजन करते हैं, फिर समझते हैं कि इस टॉपिक में कहां कहां कॉमनली मेड मिस्टेक्स है और किस टाइप के क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट दिए जाते हैं। ध्यान से, सबसे पहले गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस क्या होता है आपको पता है। नॉर्मली ये ट्रांजैक्शन एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर एक रिटेलर के साथ करता है, रिटेलर के साथ करता है। मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जब गुड्स रिटेलर को बेचता है, बहुत बार रिटेलर ना इन गुड्स को आउटराइट परचेस करने में या इन गुड्स की ओनरशिप लेने में थोड़ा सा घबराता है। वो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को बोलता है कि सर, हम आउटराइट परचेस आपसे गुड्स नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को लग रहा है कि अगर ये गुड्स कस्टमर एक्सेप्ट नहीं किया, गुड्स हम बेच नहीं पाए, तो ये सारा का सारा नुकसान हमारे माथे आ सकता है। आप हमें ये गुड्स दो, हम लोग ये गुड्स अपनी दुकान में रखेंगे, कस्टमर को शो करेंगे। अगर हमें लगा कस्टमर इन गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है, जिस प्राइस पर आप बोल रहे हो उस प्राइस पर एक्सेप्ट रहा है, तो हम आप ही से ये गुड्स खरीद लेंगे, हम आपको इन गुड्स का अप्रूवल भेज देंगे और बोल देंगे कि ये गुड्स हम आपसे खरीदते हैं, इसका पैसा हम आपको दे देंगे। बट अगर हम लोगों को लगा कि कस्टमर को गुड्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास एक राइट होनी चाहिए कि कुछ स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हम आपको ये गुड्स रिटर्न भी कर सकते हैं। तो ये सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस क्या होता है, यहां मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जब गुड्स बेचता है रिटेलर को, जब गुड्स देता है रिटेलर को, उसको ऑप्शन देता है। अगर तुमको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम लोग दे रहे हैं, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 डेज, तुमको अगर समझ में आए, गुड्स अच्छा लगे, तुमको लगे तुम्हारे लिए गुड्स प्रॉफिटेबल है, यू अप्रूव द गुड्स, उसके बाद हम लोग हिसाब कर लेंगे, पैसा लेन देन कर लेंगे। अगर तुमको ना समझ में आए तो तुम गुड्स रिटर्न कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसी शर्त के साथ आपको गुड्स सेंड कर रहे हैं। अब नॉर्मली तो क्या होना चाहिए ना, जब मैन्युफैक्चरर गुड्स सेंड करेगा तो इसकी कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, आपको बस एक खाते पर एक जगह पर रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना चाहिए कि ये गुड्स आपने रिटेलर्स को भेज रखा है जिनका अप्रूवल आने वाला है या अप्रूव्स, दीज आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल, अप्रूवल आया तो ठीक है, नहीं आया तो गुड्स हमारे पास वापस आना चाहिए। बट क्या होता है ना, फॉर अकाउंटिंग ईजीनेस, फॉर ईज इन अकाउंटिंग, हिसाब सही रखने के लिए क्या होता है, एंटिटीज चाहती है कि ये जो गुड्स हमने अप्रूवल में भेजा है इसका भी हम लोग एंट्री कर ले नॉर्मल सेल्स की तरह। आपको क्वेश्चन बोलेगा कि एंटिटी ने गुड्स भेजा था अप्रूवल पे और उसको नॉर्मल सेल्स बोल के उन्होंने दिखा रखा है अभी तक। सर, नॉर्मल सेल्स कैसे दिखा सकते हैं, नॉर्मल सेल्स तो तब होगा ना जब अप्रूवल आए। आप सही बोल रहे हो, आप सेल्स तभी दिखा सकते हो जब सामने वाला अप्रूवल करे, बट फॉर अकाउंटिंग ईज, फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग हिसाब विद द पार्टी, एंटिटी एंट्री कर लेती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स जिस दिन एंटिटी गुड्स सेल करती है, गुड्स सेंड करती है। इससे क्या होता है, एंटिटी को पता है भाई फलाने आदमी के पास इतने गुड्स हमने भेज रखे हैं, एक्सेप्ट कर लिए तो बहुत बढ़िया, हमने सेल्स की एंट्री कर ली, अगर एक्सेप्ट नहीं किए, रिजेक्ट कर दिए, तो गुड्स वापस आएंगे, हम लोग सेल्स रिटर्न की एंट्री कर देंगे। अब अगर एंटिटी ने गुड्स सेंड कर रखे हैं अपने कस्टमर्स को, और उसके बाद एंटिटी के यहां आग लग जाती है, फायर लग जाता है, जिसके कारण उनके गोडाउन में स्टॉक का नुकसान हो जाता है, ये गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल से रिलेटेड किस तरीके से हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करेंगे, ये हम लोगों को इस टॉपिक में सीखना है। सर, एडजस्टमेंट क्या करना है, सर क्या चीज का एडजस्टमेंट करना है, एक एक करके बात करते हैं। मान लो हमने गुड्स सेंड किया 25th
फरवरी को, 25 फरवरी 2021, ठीक है, और हमारे प्रेमाइसेस में आग लग गई 5 मार्च 2021। हमने गुड सेंड कर दिया था, गुड सेंड किया, उस समय हमने क्या कर ली, सेल की एंट्री कर ली, सेल्स बोल के दिखा दिया कि ये गुड्स हमने बेच दिया कस्टमर को। एक्चुअल में अभी तक सेल हुआ नहीं है, सेल डिपेंड करता है सामने वाले ने अप्रूव किया या नहीं किया। 5 मार्च को हमारे यहां क्या लग गया, फायर। फायर से क्या हो गया, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया। हम लोग जब मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कब से बनाते हैं सर, ईयर के बिगिनिंग से लेके टिल दी डेट ऑफ फायर, ईयर के बिगिनिंग से लेके टिल दी डेट ऑफ फायर। अब उसके बीच में कुछ गुड्स हमने भेज रखा है ऑन अप्रूवल, दो दे आर नॉट येट फुल्ली अप्रूव, बट हमने उसको सेल्स में ऑलरेडी दिखा दिया है। अब ये जो एडजस्टमेंट है, ये जो चीज है, इसका एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्या करना है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय क्या करना है, मेरे को आपको इस टॉपिक में सिखाना है, तो इसके लिए ना आपको तीन सिनारियो समझने पड़ेंगे। सिनारियो नंबर वन, बिफोर द डेट ऑफ फायर गुड्स अप्रूव हो चुके हैं 25 फरवरी और 5 मार्च के बीच में जो हमारा रिटेलर था उसने बोला कि मैं गुड्स अप्रूव करता हूं, आपने मुझे 50,000 के गुड्स भेजे हैं, सेलिंग प्राइस, ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी बताओगे आप, उसको सेलिंग प्राइस ही बताओगे, हम तुमको इतने में बेचेंगे, तुम आगे कस्टमर को जो दाम में बेचना चाहते हो बेच सकते हो। बोला कि हम गुड्स अप्रूव करते हैं सारा, मान लो अप्रूव कर लिया, अप्रूव्ड ऑन 1 मार्च, सारा का सारा गुड्स 1 मार्च को अप्रूव कर लिया। अगर वो अप्रूव कर लिया मतलब हमने जो उसको गुड्स भेजा था उसको पसंद आ गया, उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया, हमने सेल्स की एंट्री ऑलरेडी कर रखी है, अगर हमने सेल्स की एंट्री कर रखी और उसने अप्रूव कर लिया, तो जब मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा 5 मार्च को, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेल की एंट्री ऑलरेडी की हुई है, कस्टमर को गुड्स भी जा चुके हैं, मेरे गोडाउन में वो गुड्स उस दिन एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, तो अगर मैंने सेल्स की एंट्री ऑलरेडी कर रखी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर मान लो क्वेश्चन बोल दिया हम लोग उस दिन कुछ किए नहीं थे और 1 मार्च को भी हम लोग एंट्री अभी तक किए नहीं है, तो आप सेल की एंट्री कर देना यार, सेल में ऐड कर देना, 50,000 रुपया सेल में ऐड कर देना, ताकि टोटल सेल्स में वो आ जाए जो कस्टमर ने गुड्स अप्रूव कर लिए हैं, वो गुड्स हमारे पास गोडाउन में नहीं थे, वो गुड्स कस्टमर के पास थे, उसने अप्रूव कर लिए, मैं इसको सेल्स में इंक्लूड कर दूंगा, बात खत्म। अगर सेल्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कुछ मत करो, नहीं इंक्लूडेड है कहीं क्वेश्चन बोल रहा है तो इनको क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो अगर उसने अप्रूव कर लिए, मैं बोलूंगा सिंस सेल्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड नथिंग टू बी डन नाउ, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, काम ऑलरेडी हो चुका है, ये गुड्स कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिए, हमने इसको सेल रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स पे जीपी निकाल के क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, उस क्लोजिंग स्टॉक में ये नहीं आएंगे क्योंकि हमने इनको क्या दिखा दिया, सेल्स बोल के दिखा दिया, बात खत्म। दूसरा सिनारियो, ये सिनारियो अभी तक आपके क्वेश्चंस में कहीं आपको दिखा नहीं है, बट मेरे को लगता है एग्जाम में कभी दे दिया तो आप लड़खड़ा जाएंगे, ध्यान से सुनना, मजेदार चीज है, टफ नहीं है, मजेदार है। सामने वाली पार्टी ने गुड्स रिटर्न कर दिए, हमने 25 फरवरी को गुड्स भेजा, 2 मार्च को सामने वाली पार्टी ने गुड्स रिटर्न कर दिए, रिटर्न्ड ऑन 2 मार्च। सर कितने गुड्स रिटर्न किए, एक बार मानो ना, सारे गुड्स रिटर्न कर दिए। अरे यार अगर 50% रिटर्न कर दिया, 50% रख लिया तो आधा आधा करके मतलब दोनों काम कर देना, अगर सारा रिटर्न कर दिया, सारा अप्रूव कर दिया तो एक एडजस्टमेंट कर देना, मैं तो आपको सारे सिनेरियो समझा दूंगा, अगर 2-3 सिनेरियो एक साथ आ गए तो आप उनको क्लब करके कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक ही जैसा चलेगा। ध्यान से, 2 मार्च को उसने गुड्स रिटर्न कर दिए थे। अब अगर वो गुड्स फायर से पहले हमें रिसीव हो चुके हैं, आप मेरे को ध्यान से बताना, अगर फायर से पहले वो गुड्स हमारे पास आ चुके हैं तो क्या हमारे गोडाउन में जिस दिन आग लगी ये गुड्स हमारे पास थे? बिल्कुल थे सर। सर फायर लगने से पहले उसने गुड्स भेजा, हमें गुड्स मिल भी चुका था, वो गुड्स हमारे गोडाउन में ही पड़ा था, और सर जब आग लगी तो ये गुड्स भी जल गया था। मतलब ये जो गुड्स हमें कस्टमर से वापस मिला है बिफोर द डेट ऑफ फायर, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में उस दिन था, तो हमें इसको क्लोजिंग स्टॉक में लेना है। ध्यान से, अगर क्वेश्चन बोल रहा है सेल्स रिटर्न की एंट्री हमने कर दी, सेल्स को कम कर दिया, वेल एंड गुड, सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी, सेल्स कम हो गया तो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर उन्होंने बोला अभी तक सेल रिटर्न की एंट्री नहीं की है तो आप सेल से सेल्स रिटर्न माइनस कर देना, माइनस करने के बाद अपने आप जब बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ आ जाएगा।
तो ये वाला जो पार्ट है हम लोग इसको सेल्स रिटर्न की तरह ट्रीट करेंगे, ट्रीटेड एज सेल्स रिटर्न। अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमने सेल से डिडक्ट कर दिया, वेरी गुड, नहीं किया हुआ है तो हम लोग सेल से डिडक्ट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल से डिडक्ट करेंगे, अपने आप बैलेंसिंग फिगर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक है वो बढ़ जाएगा। मजेदार बात यह है, सामने वाले ने गुड्स रिटर्न कर दिया बट हम लोगों को अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और क्वेश्चन बोलेगा जब रिटर्न उसने बोला फोन करके कि हम वापस भेज रहे हैं, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ली थी, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ली थी। तो सामने वाले ने गुड्स भेज दिया है, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री भी कर ली बट अभी तक हम लोगों को गुड्स मिला नहीं था, बिफोर द डेट ऑफ फायर मिला नहीं था, ट्रांजिट में था। ट्रांजिट में सर, ये तो अच्छा बात है, अगर गुड्स ट्रांजिट में था मतलब गोडाउन में नहीं था, गोडाउन में नहीं था तो सर आग लगा तो ये सब जला नहीं, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो सर ये तो अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छा बात है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, हम लोगों को ध्यान रखना है कि सामने वाले ने गुड्स रिटर्न किया है, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ली, सेल्स रिटर्न की एंट्री करते ही सेल्स कम हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। अगर आप इसको सही से एडजस्ट नहीं करोगे तो ये गुड्स क्लोजिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। हम लोगों को बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, सबसे पहला काम हम लोगों का होगा सेल्स रिटर्न का एंट्री हुआ या नहीं, सेल्स रिटर्न का एंट्री हुआ या नहीं। अगर हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो हम लोग सेल्स रिटर्न बोल के दिखा देंगे कि गुड्स हमारे पास वापस आ गया, वापस आ गया। एंड नंबर बी, ये गुड्स को ध्यान से सुनना, ट्रेडिंग अकाउंट के, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हम लोग गुड्स इन ट्रांजिट बोल के दिखा देंगे, गुड्स इन ट्रांजिट बोल के दिखा देंगे एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। जैसे ही मैं गुड्स इन ट्रांजिट बोल के दिखा दूंगा मतलब ये वो गुड्स है जो रास्ते में थे, जो गोडाउन में नहीं थे। अब जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आएगा वो गुड्स निकल जाएगा जो फिजिकली गोडाउन में एग्जिस्ट करता था। तो ये गुड जो हमें रिटर्न कर दिए गए बट अभी तक मिले नहीं थे, मिले नहीं थे, ये मेरे गोडाउन में नहीं थे उस दिन। तो ये जब मैं स्टॉक की तरह दिखाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट में, मैं ना क्रेडिट साइड में अलग से दिखाऊंगा गुड्स इन ट्रांजिट। जैसे ही मैं गुड्स इन ट्रांजिट दिखाऊंगा एट कॉस्ट पे, जो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा वो क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा जो गोडाउन में था, जिसके अंदर ये गुड्स नहीं होंगे, जिसके अंदर ये गुड्स नहीं होंगे। अभी तक गुड्स रिटर्न के बारे में ऐसा कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है एग्जाम में, बट दे दे तो ध्यान रखिएगा, दो सिनेरियो वो दे सकता है। सामने वाले ने रिटर्न कर दिया, हमें मिल भी गया, अगर मिल गया हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर लेनी है, सेल्स रिटर्न की हो चुकी है एंट्री, कुछ मत करो, नहीं हुई है तुम कर दो, सेल्स रिटर्न करोगे वो गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। उसने भेजा हमें मिला नहीं, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी, बहुत बढ़िया, सेल्स रिटर्न तो हुआ ही है उसने जब गुड्स रिटर्न कर दिया, बट ध्यान रखना है ये गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं था तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आना चाहिए। ये गुड्स हम अलग से दिखाएंगे क्या बोल के, गुड्स इन ट्रांजिट बोल के। कौन सा साइड, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सी वैल्यू पे, कॉस्ट। सेल्स से जब लेस करेंगे हमेशा सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेल्स हमेशा सेलिंग प्राइस पर होता है तो रिटर्न भी हमेशा सेलिंग प्राइस। बट जब आप इस गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक साइड दिखाओगे तो ये हमेशा किस पर आएगा, कॉस्ट पर आएगा, कॉस्ट पर आएगा। 50,000 का गुड्स था मानो, 20% प्रॉफिट है ऑन सेल्स, तो 50,000 से 20% माइनस किया, मेरा कॉस्ट निकल गया 40,000। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई गुड्स इन ट्रांजिट 40,000, बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर मेरा आ जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर वो स्टॉक होगा जो रियली मेरे गोडाउन में था, जिसमें आग लगी है, जिसका नुकसान हुआ है, जिसका क्लेम मिलेगा। ये पॉइंट अभी तक एग्जाम में आया नहीं है बट कभी भी आपको देखने मिल सकता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। टफ नहीं है, सिंपल है, आपको सिर्फ एनालाइज करना है, मेरे गोडाउन में था तो क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, नहीं था तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा, बात खत्म। तीसरा, कुछ गुड्स अभी भी कस्टमर्स के पास है पेंडिंग इंटीमेशन। हमने 50,000 का गुड्स भेजा, मान लो उसने 3/4 एक्सेप्ट कर लिया, 3/4 कितना होगा आप एक बार देख लो, 37,500 एक्सेप्ट कर लिया, बट 12,500 का गुड्स अभी भी उसके पास पड़ा है, उसने इंटीमेट नहीं किया है वो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा। अभी भी कुछ गुड्स उसके पास है जिसका हमको इंटीमेशन नहीं मिला। अब ये जो इंटीमेशन नहीं मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है, एक्चुअल में ये सेल्स नहीं है बट हमने सेल्स बोल के दिखा दिया, सेल्स बोल के दिखा दिया। अब इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में, ये इंस्टीट्यूट नॉर्मली आपसे पूछता है। ये ICAI का जगह है जहां से ICAI आज तक क्वेश्चन देते हुए आ रहा है, तो आपको पहले यह समझना है, ये एग्जाम में आ सकता है बट गुड रिटर्न ऐसा पोर्शन है जो अभी तक आया नहीं बट कभी भी दे सकता है। अब अगर गुड्स अभी तक रिटर्न नहीं किए हैं, अप्रूव भी नहीं किए हैं, उसके पास पड़े हैं पेंडिंग इंटीमेशन, तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। दो तरीका है, दो तरीका, कुछ भी फॉलो कर लेना। ऑल्टरनेटिव वन,
डू नथिंग, इग्नोर कर दो। कैसे सर? क्यों इग्नोर कर दे हम? तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकालना चाहते हो, सही प्रॉफिट या क्लोजिंग स्टॉक? सर हमें क्लोजिंग स्टॉक से मतलब है। अगर क्लोजिंग स्टॉक से मतलब है, ये गुड्स हमारे पास है कि कस्टमर के पास है? सर कस्टमर के पास है, मतलब हमारे पास गोडाउन में नहीं थे? नहीं थे, ठीक है। तुमने सेल्स बोल के दिखा दिया, अगर तुमने इनको सेल्स बोल के दिखा दिया मतलब ये गुड्स हमारे पास नहीं है। अब जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो अपने आप कम आएगा, ये क्लोजिंग स्टॉक वो क्लोजिंग स्टॉक है जो गोडाउन में था। तो अगर ऑलरेडी सेल्स का एंट्री किया हुआ है, गुड्स कस्टमर के पास है, तो हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ये गुड्स हमारे गोडाउन में था ही नहीं, ये गुड्स तो कस्टमर के पास था, इसमें तो आग लगी ही नहीं। अगर सेल्स दिखाया हुआ है तो बढ़िया है, ये क्लोजिंग स्टॉक में आएगा नहीं, और ये क्लोजिंग स्टॉक में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुड्स हमारे गोडाउन में नहीं था। तो पहला ऑल्टरनेटिव है, आप कुछ मत करो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो एकदम, जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा। ऑल्टरनेटिव टू, बट अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मैं सही प्रॉफिट निकाल के दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक भी सही निकालना है, प्रॉफिट भी सही निकालना है, तो वो बच्चा क्या करेगा? पहला, डिडक्ट सेलिंग प्राइस ऑफ दोज गुड्स फ्रॉम सेल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ दोज गुड्स फ्रॉम सेल्स, सेल्स से हटाओ। क्यों हटाओ सर? सर अगर अभी तक अप्रूव नहीं किया है तो सेल्स में आना नहीं चाहिए, आप तो सही प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, तो उसको सेल से हटाइए। जैसे ही आप सेल से हटाओगे, अगर आप और कुछ नहीं करोगे, तो अब जो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बट ये स्टॉक मेरे गोडाउन में भी नहीं था, वेरी गुड। तो आप क्या करोगे, इन गुड्स को अलग से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाओगे, गुड्स विद कस्टमर। हमारे गुड्स है जो कस्टमर के पास पड़े हैं, है हमारे अभी कस्टमर के पास पड़े हैं, कस्टमर के पास है मतलब मेरे गोडाउन में नहीं थे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक गोडाउन वाला आएगा उसमें ये गुड्स नहीं आना चाहिए। और जब गुड्स दिखाओगे विद कस्टमर, तो वो हमेशा कौन से प्राइस पे दिखाओगे? कॉस्ट पर दिखाओगे। अरे ये और ये सेम ट्रीटमेंट है, क्योंकि दोनों में एक ही बात है, गुड्स हमारे पास नहीं है और सेल भी नहीं हुआ, तो सेल से लेस कर दिया, क्योंकि गुड्स हमारे पास गोडाउन में नहीं था तो हमने अलग से दिखा दिया, गुड्स इन ट्रांजिट या गुड्स विद कस्टमर। वो जब भी दिखाओगे हमेशा रखना कौन से प्राइस पे? कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि स्टॉक हम लोग हमेशा वैल्यू करते हैं कॉस्ट पे, तो वो हमारा स्टॉक है, वो हमेशा किस पर आएगा? कॉस्ट पर आएगा। सर आईसीआई कौन सा करता है दोनों अल्टरनेटिव में से? आईसीआई ये प्रेफर करता है। तो सर क्या हमें भी ये करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आप बचपन से यही करते आ रहे हो, ये करना चाहो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पहला वाला भी आप करते हो तो गलत नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। अब सर आप बताओ, ये तो समझ में आ गया सर, सेल्स ऑन अप्रूवल का अलग अलग सिनेरियो में क्या ट्रीटमेंट होगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग में, बच्चों से क्या गलती होती है? पहला, ये रिटर्न वाला पोर्शन नॉर्मली हम लोग सोचते नहीं है, इसीलिए कभी एग्जाम में आ जाए तो दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना, ईजी है। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं ना, सेल से लेस बिल्कुल सही करते हैं कि अभी तक सेल नहीं हुआ, अप्रूव नहीं हुआ तो सेल से कम करो, बट बच्चे जब क्रेडिट साइड में दिखाते हैं ना, क्रेडिट साइड में या तो दिखाना भूल जाते हैं या फिर बच्चे क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस पर ही उसको शो कर देते हैं। ध्यान रखो, कभी भी मैं क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊंगा विथ कस्टमर और इन गोडाउन, दो अलग अलग, विथ कस्टमर इन गोडाउन, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पर आएगा। तो ये कॉस्ट वाला पोर्शन में ना बच्चे रिलेटिवली बहुत बार मिस्टेक्स करते हैं, भूल जाते हैं कि स्टॉक को हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे, ओपनिंग स्टॉक और परचेस कॉस्ट पे है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो भी किस पर आना चाहिए? कॉस्ट पर आना चाहिए। तो अगर आप सेल से लेस कर रहे हो तो ध्यान रखो, उसको ट्रेडिंग अकाउंट में अलग से दिखाओ, नहीं दिखाओगे तो वो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड हो जाएगा और उसको भी आप लॉस में इंक्लूड करके क्लेम ले लोगे, जबकि वो हमारे गोडाउन में ही नहीं था। तो प्लीज ध्यान रखना, इस गुड्स को क्रेडिट साइड में दिखाना, और वो भी कौन से वैल्यू पर? कॉस्ट पर। ये छोटा सा एडजस्टमेंट कभी कभी टेक्निकल हो जाता है, इसीलिए मैंने डिस्कस कर लिया। पहले दो एपिसोड जरूर देख लेना, एवरेज क्लॉस पर और दूसरा एबनॉर्मल गुड्स पर, जिसमें आपको बहुत बार दिक्कत हो सकती है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट एपिसोड जो आने वाला है वो बहुत तगड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत बच्चों को उसमें दिक्कत होती है, देखो कौन सा आने वाला है।